भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित जबलपुर के जाने माने उद्घोषक प्रदीप दुबे का 27 दिसंबर 2020 को कोरोना महामारी के चलते निधन हो गया। जबलपुर में अपने पसंदीदा उद्घोषक के अचानक अपने बीच से चले जाने पर पूरा जबलपुर शहर शोक में डूब गया। लोगों ने कोविड 19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए प्रदीप दुबे को अंतिम विदाई दी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम सीता राम सीता राम भज प्यारे मन सीता राम सीता राम सीता राम। आज 29 दिसंबर को जबलपुर के आर्य समाज के सभागार में जबलपुर के आर्टिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में दिवंगत उद्घोषक प्रदीप दुबे की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें देश एवं विदेश से उनके मित्र, सगे संबंधी और चाहने वाले शामिल हुए। संगीत जगत के सम्मानीय मुरलीधर नागराज जी, और जहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम आर्टिस्ट एसोसिएशन के यहाँ पे सदस्य मौजूद हुए हैं, आइए हम बात करना चाहते हैं अपने शब्दों के साथ में, अपने भाव के साथ में, जिन्होंने आज प्रदीप दुबे जी को खोया है। स्वर्गीय प्रदीप दुबे जी को श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए, प्रदीप मेरे निजांत व्यक्तिगत और पारिवारिक मित्र थे। मंच पर हम लोग का साथ होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं था। हम लोगों ने 70s में रेडियो में जब साथ साथ काम करना शुरू किया बतौर कैजुअल अनाउंसर के, तो तब से हम लोग का साथ बहुत और गहरा गया। उसके पहले भी हमारी मित्रता थी, लेकिन प्रदीप को लोग एक मंच के बहुत ही जाने माने उद्घोषक के रूप में जानते हैं। मैं प्रदीप को मित्र के रूप में और भाई के रूप में ज़्यादा जानता हूँ, और मैं वही मिस कर रहा हूँ कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, मेरा एक भाई, मेरे परिवार का एक सदस्य जो है वो हम लोगों से विदा हो गया। और मुझे मालूम है कि प्रदीप जैसे मित्रों की कमी जो है वो पूरी नहीं हो सकती। आज जबलपुर शहर के आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ जबलपुर के तमाम कलाकारों के द्वारा स्वर्गीय प्रदीप दुबे जी उद्घोषक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समूचे प्रदेश के संस्कारधानी के वरिष्ठ कलाकार, जूनियर कलाकार एकत्र हुए हैं। आइए, हास्य की दुनिया के नायकर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं हमारे NVTV चैनल्स के माध्यम से के नायकर साहब जी से। आज का हम कलाकारों का जो है यहाँ पर जमावड़ा प्रदीप भाई की श्रद्धांजलि के लिए हुआ है। प्रदीप भाई वैसे भी हम सारे कलाकारों में एक अलग स्थान रखते थे और व्यक्तित्व के भी बहुत धनी थे। हम सब जो हैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत सी यादें हैं उनके साथ। एक अनोखी शादी थी, जब
हम लोग कानपुर गए थे प्रदीप की शादी में, तो बारात बहुत लेट हो गई थी, तो सब कलाकारों ने रात को सब बैंड वाले चले गए, लाइट वाले चले गए, तो हम लोगों ने हारमोनियम ढोलक बजा के उनकी बारात लगाई थी। एक बड़ी अनोखी याद है। और वैसे भी हमारा उनका पारिवारिक रिश्ता भी था कलाकार के अलावा। मैं बहुत रोया हूँ मैं उसकी याद में, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी प्रदीप और उसकी आत्मा को शांति मिले। NVTV पर अंतर्राष्ट्रीय गायिका कलाकारा श्रीमती तेजल विश्वकर्मा जी आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जहाँ पे उपस्थित है, आइए हम बात करते हैं। प्रदीप भैया का यूँ असमय चले जाना, और मतलब कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है हम लोग। महज कुछ दिनों पहले तो व्हाट्सएप में हमारी बात होती रहती थी, हमारे कई सारे ग्रुप में भी वो एक्टिव मेंबर थी, और इतनी बड़ी कला के जो प्रतिभा के जो धनी थे, हमारा शहर तो समझो उनके जाने के बाद बिल्कुल खाली हो गया, और उनकी जो कमी है वो शायद ही कभी कोई पूरी कर पाए। और प्रदीप भैया का ही उस समय चले जाना हम कलाकारों के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है, जिसे हम कभी पूरी नहीं कर सकते। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।